आजकल के बिजी लाइफ स्केड्यूल्स में जहाँ हम जब हम गीजर ऑन करते हैं तो इंस्टेंट हॉट वाटर मिल जाए, तो इसके कहने ही का बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स, लैक ऑफ पेशेंट्स लोगों में आजकल हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, हम पहुँचे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन चल रही है और हम खड़े हैं क्रिस्टल स्विच एंड गियर्स के स्टॉल पे। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इनके ऑनर से। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। जी वेलकम सर। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल्स हो चुके हैं लोगों के, तो गीजर ऑन करके हॉट वाटर के लिए भी वो लोग वेट नहीं कर सकते, और आपने स्पेशली लॉन्च किया है इंस्टेंट हॉट वाटर गीजर, तो इसके बारे में प्लीज़ आप बताइए सबको। जी, हॉट वाटर गीजर के अंदर हमने इंस्टेंट गीजर लॉन्च किया है जो कि 1 लीटर 3 लीटर दोनों का है। इसके अंदर 1 लीटर के अंदर है, विद इन 3 मिनट में अंदर आपके पास, आप नल का जो भी है टूटी का खोलेंगे, 3 मिनट के अंदर आपको गर्म पानी अवेलेबल रहेगा। इंस्टेंट गीज़र मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर किचन के अंदर यूज़ होता है। इसके अंदर आपको विद इन 3 मिनट कोई भी बिना वेट किए आपको पानी अवेलेबल रहेगा, और साथ साथ रेगुलर आपको आधा घंटा 1 घंटा चाहिए रेगुलर पानी आता रहेगा। जैसे हम उनकी बात करते हैं जो गैस गीजर्स भी आजकल काफ़ी सक्सेसफुली लोगों ने अपने घरों में लगाए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा उससे बेटर काम करेगा? जी, ये उससे बेटर इसलिए काम कर रहा है, लोगों का जो गीज़र गैस के अंदर शिफ्टिंग है वो बेसिकली था एनर्जी एफिशिएंसी को लेके, अपने बिजली के बिल को लेके। हमारे जो गीज़र लॉन्च किए हैं वो तकरीबन 30% वॉटेज कम है अकॉर्डिंग टू जो अवेलेबल मार्केट के अंदर गीज़र है। हमारे जैसे उनके अगर 10 वाट कंजम्पशन है तो हमारी 7 वाट या 6 वाट होगी, ऐसे 30% कंजम्पशन। तो बिल्स पे कितना इफेक्ट होगा नॉर्मली जो हम गैस गीजर्स यूज़ करते हैं उनके कंपैरेटिवली गैस गीज़र के मुकाबले? अभी जो हमारा ह्यूज डिफरेंस था कि इलेक्ट्रिकल गीज़र और गैस गीज़र के अंदर अगर हम लोग यूज़ करते हो तो डबल का फ़र्क है, लेकिन वो अब कम होकर 30-40% रह गया। गैस गीजर्स में नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, बट इस गीजर में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इसकी मेंटेनेंस क्या इजीली हो जाती है? बिल्कुल, क्रिस्टल का ही ये गीज़र है जिसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी जो भी है इंटरनली इनबिल्ट टेक्नोलॉजी जो है हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है, और इसके ऊपर हमने 7 ईयर वारंटी आपको प्रोवाइड किया है। इसके अंदर फिर भी हमारे सर्विस स्टेशन जो है चंडीगढ़ में, लुधियाना में, जलंधर में, श्रीनगर में, अनंतनाग में, मोर देन 20 सर्विस स्टेशन। एक और प्रोडक्ट आपने हम आपके यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉल पे, इलेक्ट्रिसिटी चेंज ओवर, इसके बारे में प्लीज़ आप कुछ बताइए। जी, बेसिकली जो क्रिस्टल कंपनी है 1960 से बेसिकली मशहूर है चेंज ओवर में। चेंज ओवर के अंदर बेस्ट दी बेस्ट आज भी लोग मानते हैं, कि एक स्लोगन है कि आप लगाओ और भूल जाओ। ऐसी के रेंज के अंदर जो 9 तरह के चेंज ओवर है, LT कंट्रोल चेंज ओवर, ऑन लोड चेंज ओवर, पैनल टाइप चेंज ओवर, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के अंदर ATS चेंज ओवर चलता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर स्विच उसको बोलते हैं। उसके अंदर क्या है कि अपने आप जब कट ऑफ हो जाएगा, जब बिजली आएगी तो अपने आप कट ऑफ होकर जनरेटर को चेंज करेगा, और उधर से फिर अगर लाइट चली गई है या आ गई है अपने आप सारा ऑटोमेशन में करेगा। ये हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड है, जो भी अभी इंडिया में ATS अवेलेबल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज है। इसके अंदर जो बेसिक पैरामीटर है जो भी यूरोपियन स्टैंडर्ड है वो हमने लिए है। इसके अंदर सिंगल फेस प्रिवेंटर है, जो कि आज भी अगर किसी और कंपनी का ऑटोमेटिक चेंज ओवर बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बेस बोलते हैं, जो कुछ भी है, ऐसा नहीं है, हमारा प्रॉपरली ATS है। इसके अंदर सिंगल फेस प्रिवेंटर है, इसके अंदर न्यूट्रल फेस प्रिवेंटर है, इसके अंदर एक मेन लॉजिक है जो भी आज भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इन केस मिस हैपनिंग पहली बात ना हो, अगर इन केस अगर मिस हैपनिंग हो जाती है तो किसी को भी ये नहीं रहता कि हम लोग जाके स्विचिंग ऑफ करें। ये एक ऐसा चेंज ओवर है, अगर आपके घर, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटल किसी में भी अगर इमरजेंसी, फायर का, आग का कुछ भी होता है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप सारा स्विच और सारी बिल्डिंग का स्विच ऑफ कर देगा। तो सर, ये लोगों को अंडर रेंज प्रोवाइड होगा या इसकी रेंज कुछ थोड़ी सी अप चली जी, जाएगी? इसकी रेंज जो है ऑलरेडी हमने जब स्टडी किया, जब हमने यूरोप से लाने की कोशिश की है, तो इसकी वैल्यू मोर देन प्राइस वाइज देखें तो 1.5 लाख बनती थी। जब हमने वहाँ से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, उसको अडॉप्ट करके यहाँ पे यूनिट लगाया, आफ्टर 3 ईयर हमने देखा है कि जो भी मार्केट के अंदर चेंज ओवर है ये तो 20% लेस पे है,
हमने जब निकाला, अगर मार्केट में अगर हम लोग किसी का भी ATS का कॉस्ट वाइज पूछते हैं तो 40,000 है, तो हमने इसको अभी 35 में निकाला। इसके अंदर हमने लिमिटेड मार्जिन रखा है, पहले लोगों को अवेयरनेस के लिए हमने ये किया। और ये हमारा 1 फरवरी से या 15 जनवरी तक हमारे जो 370 डीलर्स हैं उसमें अवेलेबल होगा। इसकी रेंज जो है 32 एम्पेयर से लेके 3,150 एम्पेयर। सर, और ऐसे क्रिस्टल के क्या न्यू प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए हैं जो लोगों के लिए एनर्जी सेवर और बहुत बेनिफिशियल प्रूव होंगे आने वाले टाइम पे? जी, हमारा बेसिक कंसेप्ट यही था कि हमने 2-3 साल में जो स्टडी किया है कि आगे तो बढ़ना है, लेकिन हमने जब जो भी प्रोडक्ट किया कि पहले दिमाग में यही रखा कि आने वाले टाइम में एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर जो हमारा नेक्स्ट ईयर प्लान है वो टोटल हमारा सोलर प्रोजेक्ट का प्लान है। हम लोग सोलर के अंदर लाइटिंग, सोलर के अंदर गीज़र, सोलर के अंदर LED लाइट, वो सब कुछ हम लोग अगले साल विद द हेल्प ऑफ FEBAR इंग्लैंड, विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन टेक्नोलॉजी, वो सारा सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लुधियाना में सेट कर रहे हैं। लुधियानवी की तरफ से और पंजाब के लोग काफ़ी विजिट कर रहे होंगे इस स्टॉल पे, तो कैसा रिस्पॉन्स है सबकी तरफ से? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सब कुछ है। आते ही या बाहर से ही उनको मालूम है, हाँ क्रिस्टल, हाँ जी चेंज ओवर के लिए 1960 से लगाओ और भूल जाओ। अब वो बोलते हैं कि सर एक ही क्वेश्चन है, ये भी है लगाओ और भूल जाओ, तो मैं बोलता हूँ लगाओ और भूल जाओ। जैसे फ़ैन में मैंने कल भी बताया था या गीज़र में बताया, 2 साल की वारंटी फ़ैन में, 1 साल की है, क्रिस्टल में 5 साल की गारंटी है फ़ैन की, गीज़र में 7 साल की गारंटी है। हम लोग कहते हैं जो भी क्रिस्टल ब्रांड प्रोडक्ट है वो लगाओ और भूल जाओ। बेसिकली यू आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी विद एनर्जी एफिशिएंसी। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। तो ये से हमारे सर क्रिस्टल स्विच एंड गियर्स के ऑनर, जिन्होंने हमें एनर्जी सेवर के कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए जैसे इंस्टेंट गैस गीजर और इलेक्ट्रिसिटी चेंजर। तो प्लीज़ विजिट कीजिए लुधियाना स्टॉल पे। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।